इस घर की, सीमा में रहो तुम। चलो प्लीज, तुम चलो यार, अपने ऑफिस में जाके जो भी फैसले लो हम रोकेंगे नहीं तुम्हें। इस घर के फैसले हम लेते हैं, इस घर के जितने भी कायदे कानून है हम बनाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। थैंक यू। बसंत खेड़ी केस की फाइल्स हमारे हाथ आ गई है। अब नव्या दीदी को इंसाफ दिलाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं, अब आप लोग इस देश में नौकरी नहीं कर सकते। नव्या बच्चा कातिल है, मारो। कातिल है, इसने हमारे बच्चों को मारा है। बंसु, 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 ऐसा तड़पता छोड़ के तुम ये फाइलें देख रही हो, ऐसा क्या है इनमें डार्लिंग जो हमें नहीं? अदि पुरानी फाइलें हैं, फट जाएंगी। यार क्या है? हसन खेड़ी केस, और ये तो वो नहीं। आप हमारा मतलब है कि ये वो फाइल है जो आम आदमी नहीं देख सकता, करेक्ट? हाँ, पर अभी ये जाने दो, पर अभी हमें फूल और फूल दोनों चाहिए। मंसू, हम तो परमानेंट है, पहले ये फाइलें देखते हैं ना। तुम्हें क्यों देखनी है फाइल? हमने किसी से वादा किया है इसलिए। किससे? काव्या की बड़ी बहन नव्या के नाम पर लगा कलंक मिटा दो, हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे। छोड़ो ना वो सब, इनमें क्या है? हम तुम्हें नहीं बता सकते, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन है। हाँ बंसु, हम समझते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बस हेल्प करना चाहते हैं, और तुम जानती हो कि अगर हम हेल्प करेंगे तो तुम्हारा काम और भी तेज होगा, है कि नहीं? किसी को कुछ नहीं बोलोगे? किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, एक शब्द भी, एक शब्द भी नहीं। प्रॉमिस, प्रॉमिस, जब तक तुम नहीं कहती हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, एंजल फार्मा हर जगह नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है, पर कोई डिटेल्स नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसकी कंपनी है, ऑफिस कहाँ पे, हमें कुछ नहीं पता है। काव्या तो क्या, काव्या का बाप भी जो है एंजल फार्मा से तुम्हारा और मुंटी का संबंध नहीं जोड़ पाएगा। खुदने दो, हम सबूत पे केवल धूल नहीं डालते, हम उसे इतना जमीन के नीचे दफन करते हैं कि कंकाल तक नसीब नहीं होगा उन्हें। तुमने इंटरनेट पे चेक किया? अरे इंटरनेट आंटी से कुछ नहीं छुपता, चेक करो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है पापा, मगर मान लीजिए वो कमीनी सूंघते सूंघते हमारी कंपनी तक पहुंच गई, सूली तो हम ही चढ़ेंगे ना पापा। हम मना किए थे मोंटी भैया को कि वैक्सीन का एक्सपायरी डेट निकल गया, लेकिन उन्होंने नकली लेबल लगा करके बसंत खेड़ी अस्पताल वालों को बेच दिया। हम इसे खरीदवाए, हम इसे साइन भी करवाए,
और फिर जब वो डॉक्टर नव्या बंसल पे इल्जाम लगा, उसने खुदकुशी की, तो भैया बोले तुम चुप बैठो, हम सब देख लेंगे। हम तो झेलो ना, खुद भी झेलो और हमें भी झलवाओ। और वो मंटुआ वो खुले सांड की तरह घूम रहा है। तो तलवार हमारे गर्दन पे है और सूबेदार हमारे घर में। काव्या कुछ नहीं ढूंढ पाएगी, हम उसे कुछ मिलने ही नहीं देंगे। काव्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सारे फाइल ओरिजिनल है? अभी हमें एयरपोर्ट से यही मिले हैं। लेकिन इनको देख के लग रहा है कि इनसे सारे नाम मिटाए गए हैं जानबूझ के। एग्जैक्टली, हम वही कह रहे हैं। बहुत मेहनत की गई है आगे कंपनी के मालिकों का नाम और पता छुपाने में, तो घपला है। तो अब तुम क्या करोगे? इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करोगी? पहले हम उन अफसरों को ढूंढेंगे जिनका इस केस से कुछ ना कुछ ताल्लुक हो, शायद कोई सुराग मिल जाए। अरे जरूर मिलेगा बंसू, लेकिन अब तुम जाओ, तुम्हें चेंज करके सोना। ये कल तुम्हारा फेयरवेल है ना? हाँ, हमारी पहली पोस्टिंग है। तो आती हो, पता नहीं है ना कहाँ कि हम बस कहीं दूर नहीं जाना चाहते। अरे तुम जाओ, जाओगी हम तुम्हारे साथ चलेंगे, यही तो फायदा है राइटर होने का। ठीक है, कहीं से भी लिख सकते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। सॉरी, तुम्हें चेंज करना था, जाओ। हेलो, नमस्कार। एक निवेदन था आपसे। वो क्या है कि हमारी जो बहू है काव्या, वो IAS बन गई है। तो अब चिंता थोड़ी ये लगी हुई है कि अभी नई नई शादी हुई है, कहीं गांव कस्बे में कहीं छोटी जगह पे पोस्टिंग हो गई, तो थोड़ा परेशानी। तो उसकी पोस्टिंग के लिए आपसे निवेदन करना था। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। मम्मी जी, लीजिए, आज आप उपमा खाइए काव्या के हाथों का। वाह, थैंक यू, दिखने में तो बहुत टेस्टी है। जी, क्या हुआ, तुम्हारी पोस्टिंग की कोई खबर आई, कहाँ हो रही है? नहीं माँ, एक्चुअली अभी तक कुछ पता नहीं है। अरे मम्मी जी, हमें तो लगता है लखनऊ में हो जाएगी पोस्टिंग काव्या की। भाभी एक्चुअली ना, होम कैडर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और हम तो चाहते हैं कि नहीं मिले तो अच्छा है। सही कह रही है काव्या। अरे होम में भी ऑल्स है ना, तो हमारे साथ नहीं रहना चाहती क्या? नहीं नहीं अलका, इसके कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट पोस्टिंग ही होम टाउन में हो गई तो सबको लगेगा कि सिफारिश हुई है, और इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएगी तो। मतलब तुम कहीं और चली जाओगी, अभी तो हम लोग BFFs बने हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको बिल्कुल भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। IVF का ब्रोशर, हम जानते हैं कि आप और ओमी भैया बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी ट्राई कर लीजिए। देखिए, हमारी एक दो फ्रेंड्स हैं जिनका बेबी IVF की वजह से हुआ है। IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए जिन लोगों के प्राकृतिक रूप से बच्चे नहीं होते हैं उनकी मदद की जाती है। ये क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा? भी क्या किया, जला क्यों दिया उसे? काव्या, ये इनका पर्सनल मामला है, बीच में मत पड़ो तुम। काव्या,
मान ले कैसे? वो मान लिया, हम तुमसे पूछ रहे हैं। इस गंदी चीज को घर में कौन लेके आया? क्या हुआ नेताजी, अब क्यों बरस रहे हैं आप? हुआ क्या है? पापा जी, हम लेकर आए हैं। आईवीएफ का ब्रोशर है, अलका भाभी और ओमी भैया के लिए। चुप चुप एकदम। तुम होती कौन हो हमारे निजी मामले में दखलंदाजी करने वाली? ओमी शांत हो जाओ, कांत में रहो। ओमी तोड़ देंगे तुम। ओमी आराम से हम संभालते। ओमी भैया हम बस काव्या प्लीज तुम बीच में मत बोलो, उनका पर्सनल मामला है। चुप। आदि हम जानते हैं कि पर्सनल है, इसलिए परिवार का सदस्य होने के नाते हम सिर्फ हेल्प करने की कोशिश। तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है इन्हें। आदि मेडिकल साइंस कितने आगे तक बढ़ गई और कितने तरीके हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है? मान ले, इस मूर्ख लड़की को शांत करो, नहीं तो हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा आज। जाओ अभी। नहीं चलो प्लीज, तुम चलो यार। आदि पर हुआ क्या है? आईवीएफ ही तो है, तो अब नाराज क्यों है इतना सब हमसे? बहू हो इस घर की, बहू बन के रहो, सीमा में रहो। तुम अपने ऑफिस में जाके जो भी फैसले लो हम रोकेंगे नहीं तुम्हें। लेकिन इस घर के फैसले हम लेते हैं, इस घर के जितने भी कायदे कानून है हम बनाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, और कोई भी इस गंदी चीज को इस घर में नहीं लाएगा आज के बाद। सुन लो कान खोल करके, लेके जा रही है मम्मी। प्लीज चलो यहाँ से, चलो। तुम भी कुछ नहीं बोलोगे इस मामले में? नहीं काव्या। क्यों? अति क्या प्रॉब्लम है आईवीएफ? सेफ है, कानूनी है, कितने लोगों का फायदा हुआ है इससे? अरे बंसो, हम जानते हैं तुम जो भी कह रही हो उनकी भलाई के लिए कह रही हो, लेकिन ये टॉपिक ऐसा जिसके बारे में इस घर में कभी बात नहीं होती। कुछ हुआ था, क्या हुआ था हम नहीं जानते, हमने कभी पूछा भी नहीं, और अलका भाभी भी नहीं चाहेगी कि तुम इसके बारे में कभी बात करो। प्लीज जाओ काम पे आओ। सुनो, हम एक फाइल भूल गए। भाभी आप कम से कम एक बार। काव्या क्यों पूछ रही हो तुम बार बार? तुम जानना क्या चाहती हो? सच हम बताते हैं, प्रॉब्लम हम में है, हम ही में है कमी। अब खुश? अब दोबारा तो कभी नहीं पूछूंगी। जी, आपको हमने एक अर्जी दी थी, उसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? पोस्टिंग की खबर आपकी बहू तक पहुंचने वाली ही होगी। काव्या, आप होगा खेल। बहुत याद आएगी आपकी, हो सके तो कभी आइएगा हमसे मिलने के लिए। काव्या बिटिया, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होगी, हम कहाँ जाने, कैसे आएंगे हम तुमसे मिलने? विधवाओं के लिए तुमने जितना किया है आज तक किसी अफसर ने नहीं किया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खूब आगे बढ़ो बेटा। आगे भी यही कोशिश रहेगी, नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां होंगी, पर एक चीज कभी नहीं बदलेगी, लोगों की मदद करने का मौका। वाह वाह, क्या आदर्श ख्याल हैं आपके मैडम काव्या प्रधान जी, स्वीकार कीजिए। थैंक यू। इन्हीं उद्देश्यों के लिए आपने अपनी पोस्टिंग करवाई होगी। सॉरी हम समझे नहीं। लेकिन हम सब समझ गए मंत्री जी की बहू होने के असल मायने क्या होते हैं।
हाँ दी बोलो। अरे बंसू 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 क्या हो गया है? अरे तुम्हारा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है। सच कहाँ ये बताओ ना, हमें कहाँ जाना है? जाना नहीं है, तुम्हें आना है, लखनऊ वापस आना है। अरे तुम्हें होम कैडम मिल गया है। क्या? अरे तुम कितनी लकी हो यार। अरे हम लकी है तुम्हारे लिए, तुम्हें होम कैडम मिल गया। वाओ लखनऊ में ही रहोगी तुम। अमेजिंग यार मंसूर, आई एम सो हैप्पी यार। आदि हम तुमसे अभी बात नहीं कर सकते। हमारे सामने इतनी मासूमियत दिखाने की जरूरत नहीं है मैडम। आपका भविष्य तो उसी दिन तय हो गया जब मंत्री जी के बेटे को आपने वरमाला पहनाई। हम जैसे लोग कई साल तक एक छोटे से गांव में घिस रहे हैं और आपका मायका ससुराल दफ्तर सब शहर में। इसे कहते हैं कुनबा परस्ती। क्यों भाई लोग? अगर फर्स्ट पोस्टिंग ही होम टाउन में हो गई तो सबको लगेगा कि सिफारिश हुई और इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएगी तो। हम सब समझ गए मंत्री जी की बहू होने के असल मायने क्या होते हैं। आपके सारे नियम कानून सिर्फ बाकी लोगों के लिए हैं, आप पे कुछ लागू नहीं होता है। आपने क्या कहा था कि हमारे काम में दखल नहीं देंगे, तो फिर क्यों कराई पोस्टिंग हमारी लखनऊ में? हो, इस बात पे तुम आग बबूला हो रही हो? अरे हमने तो सोचा कि तुम धन्यवाद पापा जी, शुक्रिया पापा जी बोलोगी। हमारे कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए, और तुम तो उल्टा हमें गरिया रही हो। किस बात का धन्यवाद, किस बात का शुक्रिया? इसलिए कि आपने हमारे लिए सिफारिश की कि जो पोस्टिंग एक दूसरे योग्य अफसर को मिलनी चाहिए थी वो आपने हमें दिलवा दी। आपने वो किया है पापा जी जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। अरे हमें जो लगा हमने वो किया, और हमने इसलिए किया कि तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारा उसमें भला होगा और इस घर में खुशियां आएंगी, सब खुश होंगे। तुम तो हमें उल्टा सीधा कह रही हो। आदि आदि अरे बंसू तुम कब आई यार? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बेटा आई नहीं है, कहर बन के बरस रही है। देखो हमने कितना एहसान लेकर के इनका होम कैडर में ट्रांसफर करवाया और ये उल्टा हमें गरिया रही है। समझाओ बेटा इनको क्या हुआ। तुम खुद जानते हो कि सिफारिश करवा के एहसान लेकर आके बढ़ने के कितने खिलाफ है हम। अब हमारी पोस्टिंग पे हमेशा सवाल उठेंगे, हम कुछ भी कह ले कुछ भी कर ले सब यही सोचेंगे कि हमने। देख लो बेटा आदि, देख लो अपनी धर्मपत्री को, देख लो हमने इस घर में कुछ अच्छा करने की कोशिश की कि जिससे कि ये खुश हो जाएं, मगर ये हमें गरिया रही। ये तो वही बात होगी ना, नेकी कर और जूते खा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम फोन उठाओ, मम्मी का फोन है, उठाओ चलो। हाँ मम्मा। क्या? हाँ माँ, हमने खुशखबर सुन ली है, लखनऊ मिल गया ना तुझे। ये तो कमाल ही हो गया। तू एक काम कर, हमने ना हलवा पूरी बनाई है, तू जल्दी से घर आ जा और मुंह मीठा कर ले। हमें नहीं करना है मुंह मीठा, हम नहीं है खुश। ये पोस्टिंग जबरदस्ती थोपी जा रही है हमारे सर पे, हमें नहीं रहना है लखनऊ में। हैं? ये कैसी बातें कर रही है तू? और तुम आदि, तुम अब भी अपने पापा जी की साइड ले रही हो जब हम तुम्हें बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। आई नो काव्या, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम नेताजी की साइड ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बस ये जान के बहुत खुश है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं होगा अभी। तुम एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि नेताजी ने तुम्हारी सिफारिश की है। तुम ये देखो कि तुम्हें पोस्टिंग तो अच्छी मिली है, अब हम साथ में रहेंगे बंसू। शायद इस बार उन्होंने सच में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, ये सोचो। अगर तुम्हें ये भी गलत नहीं लग रहा है ना,
आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक जैसा नहीं सोच रहे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.